Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। तुम्हारे अंदर इतना ईगो है ना कि तुम देख ही नहीं पा रही हो कि तुमने कितना गलत किया मेरे साथ, मेरे बच्चों से अलग रख के। अरे शादी करना तो दूर की बात है, इसका इसका चेहरा तक नहीं देखना चाहता मैं। अपनी आंखों से अलकनंदा और मेरी शादी होते हुए देखे वो, इसको दर्द देने का एक छोटा सा मौका मिला है मुझे। कोई खुशी डिजर्व नहीं करती हो तुम चाहत। तुम्हें इस घर से और अपने बच्चों से दूर करके रहूंगा मैं। नील, नील क्या हुआ? I'm sorry, चाहत। इतने दिनों से गुस्से में क्या कुछ नहीं कहा चाहत मैंने तुमसे, सच्चाई जानने की कोशिश तक नहीं की। मन ने ये गलत धारणा बना ली कि तुम बुरी हो, जबकि चाहत तुम तो व्यास जी के वचन का मान रख रही थी ना। 7 साल तुम 7 साल दूर रही मुझसे। 7 साल तक तुमने मेरी बच्ची की परवरिश की, 7 साल तुमने कैसे काटे होंगे चाहत? चाहत कितना बड़ा दिल है तुम्हारा, और मैं पत्थर दिल। नील आप प्लीज रिलैक्स कीजिए, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना चाहत। आप सुनो नील, इधर देखिए, आपकी नाराजगी बिल्कुल जायज है। मैंने आपसे कुछ भी नहीं कहा और आपको छोड़कर चले गए। आपसे इतना बड़ा झूठ कहा। मजहब के खिलाफ जाकर प्यार करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। यहां तक अपनी मौत का नाटक भी किया। अगर मैं आपकी जगह होती ना तो शायद मैं भी पत्थर दिल बन जाती। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया और इसका पछतावा मुझे जिंदगी भर है। आप भी क्या पुरानी बातें लेकर बैठ गए। ये तो नई शुरुआत है। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप रोते हैं ना तो बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह लगते हैं, बिल्कुल दुआ और श्लोक की तरह। चलिए बस कीजिए, रोना बंद कीजिए, नहीं तो मैं भी रोने लग जाऊंगी। चलिए उठिए, अब आप प्लीज रोना बंद कीजिए, उठिए ना। ब्रेव बॉय। चाहत, आई प्रॉमिस, तुम आज के बाद से ऐसे नील को देखोगी जो तुमसे कभी नाराज नहीं होगा, जो तुम पर कभी शक नहीं करेगा। तुमसे कभी झूठ नहीं बोलेगा और जो हमेशा ढाल बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा, और सबसे जरूरी, जो तुमसे कभी अपने दिल की बात नहीं छुपाएगा। तो बता दीजिए कि ऐसा क्या है आपके दिल में। वैसे तो मैं दिल की बात बताने में कंजूसी करता हूं, पर चाहत पे एक ध्यानी। मां, दुआ मेरे साइड पर सो रही है, मुझे दूसरी तरफ नींद नहीं आती, बोलो ना उसे। चलिए जाइए, आपके बच्चे लड़ाई कर रहे हैं, जाकर उनकी लड़ाई सुलझाइए, तब तक अपने दिल की बात को रोक के रखिए। जाइए जाइए जाइए। ये आई लव यू बोलने का मुहूर्त कभी आएगा या नहीं आएगा। जाइए ना। अरे जमुना की बुआरी, वो मेरी अंगूठियां और माला कहाँ है? अब कौन सी अंगूठियां और कौन सी माला व्यास जी,
चाहत को घर की बहू अपना कर आपने महंत की पदवी तो त्याग दी है ना? हाँ, शायद भूल गया था मैं। कोई नहीं, मैं अखबार पढ़ लेता हूँ। जमुना की बुआरी, क्यों इतना शोर कर रही हो? क्षमा करा व्यास जी, अब बर्तनों पर गुस्सा तो निकल ही जाता है। क्या करूं मैं भी, इतना बड़ा घर है और सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। ला, मैं तेरी मदद कर देता हूँ। ये मटर छीलने हैं ना, मैं छील देता हूँ। व्यास जी, आप मटर छीलेंगे? तो क्या हुआ जमुना की बुआरी, घर का ही तो काम है। खाएगा? ये ले। अरे 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 व्यास जी, ये क्या कर रहे हैं आप? ये 200 रुपए किलो मटर आप कुत्ते को खिला रहे हैं? तो क्या हुआ, इसे पसंद है, हम और ले आएंगे। हाय हाय व्यास जी, अब कहाँ दोनों हाथों से हम घर पे लुटा पाएंगे हैं? जो राशन पानी मंदिर संस्थान से आता था वो भी आना बंद हो गया है। अब तो घर का खर्चा नील की कमाई से चला करेगा, क्योंकि चाहत तो अपनी डॉक्टरी की कमाई से कोई पैसा नहीं घर में देती है। ये प्याज है, ये छील दीजिए। लाइए, ये मटर दे दीजिए मुझे। बाबा, आप ये क्या कर रहे हैं? आप प्याज क्यों काट रहे हैं? किसने कहा आपसे प्याज काटने को? लाइए दीजिए, आप प्याज नहीं काटेंगे। तो क्या हो गया, ये सारा दिन घर पे बैठकर समाचार पत्र पढ़ने से अच्छा यही है ना कि घर के काम काज में मदद कर दे। तो मामी, आप बाबा से घर के काम करवाएंगी? मरे तो क्या हुआ, कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता, घर का ही तो काम है। फिर भी बाबा, हाँ मैं समझती हूँ कि घर में बैठे बैठे आपको बोरियत हो सकती है, लेकिन बाबा हम आपके लिए आपके लायक काम ढूंढेंगे जिससे आप मसरूफ रहें। लेकिन बाबा, आप घर का काम नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है। ओम तमसो मा सद गमय तमसो मा ज्योति ज्योतिर ज्योतिरो ज्योतिर्मस्तो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया रिप्त्योर्मा अमृतम गमया ओम शांति शांति शांति। अरे वाह दादू, मुझे आपसे कितना कुछ सीखना है। आप क्या मुझे संस्कृत के श्लोक सिखाएंगे? सिखाएंगे ना, जरूर सिखाएंगे। अरे हाँ, वैसे भी बच्चों को बड़ों से अच्छी तालीम और कौन दे सकता है। तो फिर तय रहा बाबा, आज से श्लोक और दुआ को आप पढ़ाएंगे। चलो फिर अभी से शुरू करते हैं। हाँ। दादू को तंग मत करना। ठीक है माँ। और मामी, किसी की पदवी चले जाने से उसका इल्म कम नहीं होता। ए, एक बात मेरी भी सुन ले, ये सारे घर का काम ना मुझसे अकेले नहीं होगा। ये बचे हुए मटर हैं और ये प्याज हैं, छील देना। डॉक्टरी के दो शब्द पढ़ लिए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि रसोई में कदम नहीं रख सकते हैं। अरे ये मेरी तो टांगे दुख रही हैं। ये क्या है? हेलमेट, हाईवे पर एक्सीडेंट से बचाता है और घर में कटते हुए प्याज के रुलाए हुए आंसू से। आप मेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकते ना? मैंने तुमसे कहा था ना कि इस जन्म में तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा मैं।
नील, कल रात को आप मुझसे अपने दिल की बात। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।